अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम दर्शकों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। विज के चक्रव्यूह में फंसी हरियाणा सरकार, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम लेकर आए हैं आपके बीच में। जैसे कहते हैं कि सरकारें स्मूथली चलती हैं, उसके बीच में एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है जिससे सरकार की जो गति होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। उसी तरह से हरियाणा के अंदर सरकार बनी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की, और उसके अंदर गृह मंत्रालय मिला अनिल विज जी को, जो सीनियर लीडर थे, 6 बार MLA हैं हरियाणा के अंदर, 6वीं बार बने हैं, उनको मिला। और उनके बनने के बाद वो अपनी कार्यशैली में, जैसे दबंग लीडर हैं वो अपनी कार्यशैली में आगे, पूरी पुलिस विभाग को भी पता चल गया कि अगर विज के साथ काम करना है तो उनको पंक्चुअलिटी दिखानी पड़ेगी। इस तरीके से काम चलता रहा। और यही नहीं, लोगों के मन में भी एक आस होगी कि पुलिस महकमे की जो छवि होती है पहले, वो अब काफी सुधरेगी। अगर कोई उनको कोई दिक्कत है तो वो अनिल विज जी के घर में जाकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और साथ के साथ उनका समाधान भी होता रहा। इस बात का ये हमने भी देखा कि सैटरडे संडे को उनका दरबार लगता था, उनके घर के बाहर 1-1 किलोमीटर की लाइनें लगती थी। और सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री होते हुए भी अगर उनको कोई काम भी होता था, वो एक एक अपने शिकायतकर्ता के पास जाकर उनकी शिकायतें सुनते थे, उनको ID नंबर देते थे और उनके फॉलो करने के लिए उन्होंने अपना एक अलग स्टाफ बना दिया था। अब ये बातें चलती थी, जैसे जैसे कहते हैं कि एक जो मंत्री जो कार्य करने वाला हो, अगर विभाग के बीच में जाता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आती है। और इसी विभाग के अंदर ऑब्स्टेकल आई CID के ऊपर। जब CID विभाग की बात करें, CID विभाग एक गृह मंत्री के अंडर होता है जो कानून है, तो उसके अंदर CM हरियाणा ने तो ये कहा कि CID विभाग हम इनसे वापस लेंगे, जो उन्होंने पोर्टफोलियो के जो वेब पोर्टल है उसमें दर्ज करा दिया। अब ये यहां पर देखना आएगा कि राजनीतिक अनुभव, कहते हैं राजनीति में राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ी चीज होता है, और इसी अनुभव का फायदा उठाते हुए अनिल विज जी ने यह कह दिया कि CID जो विभाग है वो गृह मंत्रालय का अभिन्न अंग है, ये अलग नहीं है। अगर अलग करना है तो विधानसभा के अंदर रेजोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा और कैबिनेट की मंजूरी चाहिए। ये सारी प्रक्रिया जब उन्होंने कहा तो ऐसी घुघली फेंकी अनिल विज जी ने, पूरी हरियाणा सरकार इसमें चारों खाने चित हो गई। अब उन्होंने साथ साथ ये भी स्टेटमेंट दे दी कि मेरा कोई भी व्यक्तिगत द्वेष हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ नहीं है, वो हमारे सर्वप्रिय हैं, अगर वो चाहते हैं तो मैं अपना विभाग वापस भी कर सकता हूं। लेकिन यहां पर उन्होंने हरियाणा के ऑफिसर पर, जो CMO ऑफिस के अंदर हैं, उनके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उसके बाद ये घटनाक्रम चलता रहा और अनिल विज जी की अध्यक्षता में CID को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी। तो क्या कारण, तो कमेटी की मंजूरी मिल गई थी जिसमें DGP साहब, होम सेक्रेटरी सारे थे, तो क्या कारण था कि उस कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई? उससे पहले हरियाणा सरकार विधानसभा के अंदर ड्राफ्ट लेकर आ रही है, जो विधानसभा सेशन होने जा रहा है उसके अंदर ड्राफ्ट लेकर आ रही है कि CID को हरियाणा के गृह मंत्रालय से अलग किया जाए। अब ये जो बातें चली तो उसमें हाईकमान का इसमें क्या रोल होगा? हाईकमान भी इसमें असमंजस में है, उनको पता है कि अनिल विज एक साफ छवि, ईमानदार और दबंग लीडर हैं, उनको एक तरफ, दूसरी तरफ महत्वाकांक्षाएं जिसे हम कह सकते हैं CMO अधिकारियों की, कहा अनिल विज जी ने मुख्यमंत्री से अभी भी उनका कोई मन मुटाव नहीं है। अब हाईकमान का भी रोल इसमें बहुत अहम होगा, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी CAA, दूसरे इलेक्शंस हैं, उनका सारा ही दारोमदार लगी हुई है, दूसरी तरफ हाईकमान ने अध्यक्ष बनना है, स्टेट के अध्यक्ष बनते जा रहे हैं। उस कड़ी के अंदर हरियाणा के अंदर एक अजीबो गरीब, जो हम कहते हैं कि बवंडर मच गया है, उसमें हाईकमान का रोल भी क्या होगा? अब हम बात करेंगे कि कल की स्टेटमेंट विज साहब ने, सबसे बड़ी बात यहां पर देखने को मिलती है कि उन्होंने ये कहा कि बगैर CID के गृह मंत्रालय बगैर नाक, कान और आंख के होता है, उसके बगैर गृह मंत्रालय में कुछ रहता नहीं है। ये बगैर नाक, कान
और आंख का मंत्रालय बन जाएगा, तो इसमें मैं कार्य कैसे किस तरह से कर सकूंगा। अब देखना कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या मंत्री अनिल विज जी गृह मंत्रालय छोड़ सकते हैं। अगर कोई ऐसी घटनाक्रम विधानसभा के अंदर कोई ऐसा रेजुलेशन आता है, उसके बाद की प्रक्रिया जो होगी उस पर पूरा हरियाणा ही नहीं पूरा हिंदुस्तान भी ये देखेगा कि यहां पर क्या हो रहा है, और हाईकमान ने भी पैनी नजर डाल के रखी हुई है इस घटनाक्रम के ऊपर। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर अनिल विज जी से गृह मंत्रालय छोड़ते हैं इस्तीफा देते हैं, तो जनता पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और जनता हरियाणा की जनता जो काम कराने के लिए उनके घरों के बाहर एक एक किलोमीटर की लाइन लगती है, वो लोग कहां जाएंगे। यानी सरकार को विधानसभा के अंदर ही नहीं बिल पारित करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उनको जनता के बीच में जाकर भी उनको आंसर देना बहुत बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। और अनिल विज जी के बारे में एक बात जो हरियाणा के नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि वो दबंग लीडर हैं। उन्होंने जब जब उन पर किसी तरह के इस तरह के प्रेशर हुए हैं, वो इन्हीं मुसीबतों से दुगनी शक्ति के साथ उभर कर आगे आए हैं। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साबित कर दी कि अगर प्यार से तो सब कुछ ले लो, अगर कानून की बात है तो उनकी दृष्टि में कानून उनकी सरकार से भी बड़ा है, तो कानून की उल्लंघना वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। आने वाले दिनों के अंदर विधानसभा सेशन आने वाला है, विधानसभा सेशन के अंदर बहुत गर्मा गर्मी भी हो सकती है पूरे हिंदुस्तान के लोगों की। यानी हरियाणा एक छोटा प्रांत है, लेकिन जो स्थितियां हरियाणा की जो यहाँ पर घटनाक्रम हो रहा है उसको देखते हुए पूरे हिंदुस्तान के लोगों की हरियाणा विधानसभा सेशन के ऊपर निगाह होगी, और ये विधानसभा जो 20-21-22 को आ रहा है इसके अंदर जो भी कुछ होगा ये हरियाणा की जो राजनीति है भविष्य तय करेगी कि हरियाणा की किस तरफ जाएगी। और आप और ऑफिसर्स जो अनिल विज जी हमेशा कहते रहे हैं कि मेरा मुख्य, आज भी हम फिर क्लियर कर रहे हैं दोबारा से अपने मीडिया की तरफ से कि अनिल विज जी ये हमेशा कहते हैं कि मेरा मुख्यमंत्री से कोई भी व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, वो मेरे सर्वप्रिय हैं और हमारे सबसे माननीय हैं, अगर वो चाहेंगे तो मैं अपना विभाग भी दे दूंगा। लेकिन क्या कारण है, कौन है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, लेकिन उन्होंने बातों बातों में ये भी बता रहे हैं कि सीएम ऑफिस के कुछ अधिकारी हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, भविष्य के अंदर क्या होगा ये हम सब एक कयास लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए हरियाणा की राजनीति में आने वाले कुछ दिन बहुत ही सेंसिटिव होंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी हाईकमान को भी और सरकार को भी वो चुन चुन के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक गलत कदम फ्यूचर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने में सहायक हो सकता है। और एक तरफ आज भी एक बात देखा जाए अनिल विज जी की कार्यशैली के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं, आज भी अनिल विज जिन्होंने घुगली फेंकी, पूरी सरकार इस समय ड्राफ्टिंग के पीछे लगी हुई है बिल के अंदर, लेकिन आज भी अनिल विज जी सदर बाजार के अंदर बैठकर निश्चिंत होकर चाय पी रहे हैं। ये है अनिल विज जी के बारे में हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, होम मंत्रालय के बारे में, हरियाणा की राजनीति के बारे में। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन राहुल तिवारी जी के साथ। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।